एवरीवन, वेलकम बैक टू अल काइंस व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग भी काफ़ी खास होगा, तो व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। तो यार बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैं नहा धो ली हूँ एंड आज का हेयर देखो यार, मतलब लुक चेंज हुआ है तब से, सच में मैं बहुत चेंज लग रही हूँ ना। चलो चलते फटाफट खाना ले लेते हैं। गया चोट, ये देखो बहुत भयानक चोट लगा है, टिटनेस का इंजेक्शन लग गया, खून निकल रहा है। क्या पापा स्कूटी से पापा गिर गए, देखो है ना, बड़े पापा के साथ बैठे थे। कोई ना, चलो चलते हम। धूप वूप जा चुकी है, ये देखो हल्की सी थोड़ी धूप वहाँ बची है, ठंडी ठंडी हवा चल रही, ठंड का समय आ गया ना। ओ माय गॉड, गोभी की सब्जी है, वाव। आलू गोभी मटर की सब्जी, साथ में ये क्या है, कोड़ा का सब्जी। नहीं खाना मुझे, आई डोंट लाइक कोड़ा। तो दे देंगे उसको हम कौवा की रोटी और साथ में कढ़ी भी बनाई है मम्मी। करते करते मेरा ही गला बैठ गया, मानना पड़ेगा। खाना उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ब्राउनी स्लाइस है यार, ये देखो आधा मैं ले लेती हूँ और मम्मी पापा के लिए भी है ये। सो गाइस, यहाँ पे मेरे कुछ सब्सक्राइबर आए, वीडियो बनाया। तुम लोग स्कूल से आए हो डायरेक्ट? हेलो, आप पानी पीते हो? आ जाओ बाबू, सब स्कूल से आए हो क्या? अभी छुट्टी हुई है स्कूल की? अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घर पे आ जाओ आप। चलो सबको एक एक करिए पानी दिया जाए, इतने सारे लोग आए हैं यार मिलने के लिए, काफी अच्छा लगा। खेलो, अच्छा लग रहा है ना। बाकी मम्मी सबके लिए कॉफी बना के लेके आ रही है। ओ वाह मम्मी, हम देखे आए, ठीक है। तो चलो हम अपने सब्सक्राइबर को कॉफी पिलाए हमारे घर पे। ओके, आदत है ना यार, सबके लिए बना दिया, मेरे लिए, मम्मी बहन के लिए और वो पार्लर वाली के लिए। थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर के इतना करने के लिए। बिस्किट दे, ड्रिंक बिस्किट्स। क्या कॉफी बनाया एकदम ताज की जैसा, ये मम्मी बनाई है। प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिलने आए मुझे, मिलकर इनसे बहुत खुशी मिली। हाय कर दो। हाय यार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा यार, इनको मेरा घर कैसे पता चला, ये लोग मुझे बताओ घर कैसे पता चला। मैं आपके ब्लॉग में हमेशा देखती थी ना, थोड़ा तेज बोलना ना बिकॉज। अच्छा। हाँ कोई ना, बोला बोला। कहाँ से देखे थे? हाँ, सबसे पहले हम आपका वीडियो देखे थे, तो वहाँ पे ऊपर में जैसे कि हावड़ा ब्रिज दिखा, हाँ, और साइड साइड का एरिया दिखा, तो हमको लगा कि यही पे शायद आपका घर होगा। ओके, फिर ये झंडा दिखा, तो झंडा दिखा, ये झंडा तो गायब हो गया, झंडा भी। अच्छा, 15 तक पूरा आईडिया हो गया कि आपका घर इधर ही। आप ऊपर से बोले 6 फ्लोर, तो फ्लोर काउंट किए थे, फ्लोर काउंट कर लिए। तो देखे कि दो, मतलब कि दो छतें की, यहाँ एक ऊपर, हमको लगा हाँ यही होगा। ओके, तो फिर एक दिन आप चाय पीते हुए वीडियो डाली, तो नीचे चाय, हाँ हाँ हम पी रहे थे, पिंक पिंक बैकग्राउंड आया था। ओके, और फिर आप बोले कि ऑफिस भी है, तो फिर हम देखते देखते आगे, फिर आपका ऊपर आया, तो मतलब सारा बैकग्राउंड देख के पता चला ये बंदी ने बहुत कष्ट किया मेरे लिए। थैंक यू सो मच, और तुम सबका भी थैंक यू। छह तला चढ़ के आने के लिए बहुत कष्ट वाला काम रहता है यार। हम लोग आपको आवाज देते थे दीदी, उधर आवाज देती थी, तो ये अपने स्कूल से ना मुझे आवाज देती थी यहाँ पे, लेकिन आवाज नहीं आता था। आता तो मैं जरूर तुम लोगों को रिस्पॉन्स करती यार। इन लोगों से भी मिल लो यार, हेलो हेलो, सीरियस पढ़ाई वाले है ना। बाय बाय, खाने पे आना, मम्मी इन्वाइट कर रही है ना। बाय बाय, सब्सक्राइबर्स मिल गया आपको, अच्छा लगा, मम्मी ने बहुत अच्छा सेवा किया, थैंक यू सो मच। वेलकम, चलते हैं और उनको अपना नया हेयर स्टाइल दिखाते हैं। टिंग टिंग, बहुत अच्छी घंटी लगी। तो बताइए आपको मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लगा? तुम कब करा ली थे? कल ही तो करा है, कल। हाँ कल, अच्छा, कल वो आई थी निशा, हाँ करवाए, कल ही करवाए। पूरा स्ट्रेट हो गया? हाँ पूरा स्ट्रेट हो गया, देखिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लंबा हो गया। हाँ बाल लंबा हो जाता है स्ट्रेट करवाने से, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, स्ट्रेट बाल अच्छा लगता ही है। वही तो, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा कर्ली बाल ज्यादा अच्छा लगता था आप लोग को, पर कोई ना, अभी बाल और बढ़ाएंगे और फिर कर्ली कर लेंगे क्या, जब अभी तो थोड़ा बढ़ाओ, कर्ली करने के लिए अभी तुम्हारा बाल छोटा पता है ना, क्यों? क्योंकि कल करोगी ना, तो तुम्हारा बाल और छोटा हो जाएगा, और छोटा घूम जाता है ना, तो अजीब लगेगा, छोटा बाल में कर्ल अच्छा नहीं लगेगा। और जैसे कि जब बाल छोटा होता है ना, तो स्ट्रेट इसलिए कराते हैं कि वो और लंबा हो जाता है, टंग जाता है ना। तो आपको अच्छा लगा मेरा स्ट्रेट? हाँ अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, एक बेहतरीन सिंगर को तालियां। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम है, यही है, यही है रंग रूप, ओके थोड़ी खुशियाँ कोई एक तरह एक तरह। ये गाना मुझे यहाँ पे आके याद आ जाती है। तो चलो किचन में चलते हैं और कुछ अच्छी रेसिपी शेयर। बोलो मम्मी, कल
बताऊंगी। तो मम्मी आज आपको मटर टमाटर की सब्जी बता देगी, रेसिपी आज शेयर कर देगी। फाइनल ठंडा पानी देखो पापा, और ये ठंडा पानी पीते ठंड के टाइम पे भी, इन लोगों को नहीं लगता है। तिलड़ी की सब्जी बनाई है, बेसन से बनता है ना मम्मी, और ये मेरे को नहीं पसंद है, इसलिए मम्मी मेरे लिए मटर टमाटर बना रही है। इसी बहाने आपको रेसिपी भी पता चल जाएगा। फ्रीजर से मटर निकाल दिया है, हम सबसे पहले डालेंगे। तो मम्मी ने सबसे पहले ना मटर को ऐसे डाल दिया है कुकर में, थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखो थोड़ी सी क्या डाल रहा है मम्मी, चीनी मम्मी ने डाला थोड़ा सा चीनी बस, स्वाद अनुसार नमक, बंद करो उसको। बॉईल करेगा क्या मम्मी? एक सीटी मरवाते हैं देखो। तो गाइस एक सीटी मरवाना है, बॉईल हो रहा है तब तक हम लोग टमाटर को स्मॉल पीसेस में काटेंगे। स्मॉल पीसेस में काट दिया और सीटी की आवाज आ रही है, एक सीटी में ही हमें उतार लेना है। ओ सीटी आ गई, मम्मी ने उतार दिया। अब कढ़ाई चढ़ा दिया मम्मी ने, थोड़ा सा ऑयल डाल रही है देखो, साथ में मलाई देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा मलाई का पूरा पहाड़ है। तो थोड़ा सा मलाई भी ऐड करेंगी, बाकी मम्मी इसका घी निकालेगी, और घी कैसे निकालते हैं वो भी जानना है तो मम्मी आपको बता देंगी। क्या मम्मी? टमाटर को ऐड कर दिया ऑयल में, नमक डाल रही है, बॉईल हो गया मम्मी मटर, प्रेशर में सीजने के लिए छोड़ दिया है, तो ये अच्छी तरीके से सीज जाएगा। देखो मम्मी ने मटर को निकाल दिया है, ये निकाल दिया कुकर से, और ये पूरा अच्छे तरीके से बॉईल हो गया है, गरम है। मटर डाल दिया है टमाटर में, देखो डिलीशियस मलाई जाने वाला है। मेरी प्यारी सी सब्जी हम चुका है, मम्मी आधा आधा करके डाल दी। देखो ये डकार कौन लिया इतना तेज डकार, ले तो फिर से ले, थोड़ा फिर से ले रही हो, ये डकार लेना प्लीज। यहाँ बर्तन मांजा जा रहा है, मलाई डाल रही है, जितना मलाई डालोगे उतना ज्यादा स्वाद बनेगा। क्या मम्मी? हाँ मलाई भर भर के डालो यार, एकदम मस्त टेस्टी। फ्रीजर का मलाई है तो मलाई पहले निकाल के आप रख लेना। ओ मलाई और टमाटर का कमाल है, बाकी तो तेल और नमक ही लगता है। क्या मम्मी? हाँ तुरंत बन गया सब्जी, इजी रेसिपी था मम्मी, डिलीशियस सा सब्जी निकल रहा है, टमाटर की सब्जी और इतनी डिलीशियस सब्जी। अब खाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तो आप भी एकदम इजी रेसिपी है घर में जरूर बनाना और ट्राई करके बताना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलकाइंस व्लॉग। सो गाइस हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ थ्री। सो गाइस ये है अलकाइंस एंड आई लव अलकाइंस, आई लव यू गाइस। मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप तो कितना प्यार करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं एक और एक अमेजिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय। और जिन लोगों ने मुझे स्नैपचैट और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर फॉलो कर लेना, कमेंट में भी मैं लिंक पिन कर दूँगी। बाय बाय।